आज हमारा ईश्वपनिषद का चौथा सत्य है यजुर्वेद के चालीसवे अध्याय के हम पांच मंत्रों पर चर्चा कर चुके हैं ईशावास्यम इसमें हमने देखा कि हमें उपदेश दिया गया है कि यह जगत तो दिखाई दे है लेकिन इसके पीछे एक शक्ति है जो ईश्वर की है और वह हमें निरंतर देख रहा है हमारे कायमों को हम अपने कायमों से कभी हट नहीं सकते और जो भी हम कायम कहते हैं उसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा और इसके लिए हमें यह भी बताया गया कि अच्छे कायम का फल सुख है लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी हम कर्म फल की आशा किए बिना यदि जीवन बिताए तो निष्काम कायम की भावना जो है न कयम लिप्यते थे नए उसका भी हमें उपदेश दिया गया इसके बाद पिछले सप्ताह हमने चौथा और पांचवा मंत्र देखा था जिसमें हमें उपासना का उपदेश दिया गया तो ज्ञान और कयम के बाद हमें उपासना की बात बताई गई कि उसमें ज्ञान व में हम दौड़ धूप कहते हैं धावतो शब्द था और क्योंकि हर मंत्र में एक वो युग्म भी है है ना जैसे पहले मंत्र में था त्याग और भोग वाला बातें जो है उल्टी लगती हैं लेकिन ये पूरा यजुर्वेद का चालीसवा अध्याय इस संसार में हमें जीना है संसार में हमें भोग तो करना ही होगा तो क्योंकि कर्मों के फल का जो हम लेके आए हैं पिटाया लेकिन भोग कहते हुए भी हमें अपवाह के रास्ते पर मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य बना के आगे बढ़ना है तो ये पूरा जीवन ही मनुष्य जीवन दो युग दो तह की विपरीत चीजों को समन्वय लेकर उनका समन्वय कह के आगे बढ़ना जिसे हम भोग या भी कह सकते हैं वही बात हमें पहले मंत्र में आई त्याग और भोग वाली दूसरे मंत्र में न कह के हमारा संबोधन है कि संसार में रहना भी है लेकिन इसमें रमण नहीं कर ना रमण तीसरे मंत्र में आया कि जो व्यक्ति इस उपदेश को नकारते हैं वो आत्महन हो जाते हैं लेकिन हमें आत्मजन बनना जैसे हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है नहीं तो कोई व्यक्ति उसे नकार भी सकता फिर चौथे मंत्र में वह युग्म था जो डाइपोल में बताता हूं धावत और तिष्ठत, दौड़ना और बैठना दोनों विपरीत चीजें हैं जो तो ज्ञान और कर्म में जब हम संलग्न रहते हैं तो हम इधर उधर जाते हैं आते हैं हमारा सांसारिक जीवन चलता रहता और पशु पक्षी भी हो कहते किंतु हमसे आशा की जाए कि उस शक्ति को जिसके बारे में ईशा कहा यह तो हमें किसी ने कह दिया अब यदि हम उसे जानना और पाना चाहते हैं, तो जो उपासना का मार्ग है उसके लिए हमें तिष्ठत अर्थात बैठना पड़ेगी और उसे एक मात ईश्वर, एक वैसा स्नेह प्रेम का संबंध कि उसने जैसे एक माँ बच्चे को इतना कुछ देती है तो बच्चा भी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्वयोग ये सिपोकल लव है पहले माँ का उससे स्नेह प्रेम है लेकिन बच्चा भी थोड़ी समय के बाद अपनी माँ के प्रति स्नेह प्रेम की भाव उसमें उदित हो जाते हैं और इसके वश में वो माँ की तरह दौड़ बैठता है उसकी गोद में जाना चाहता है तो वह जो है भावना तिष्ठत वाली उसमें है अब इसके लिए बोला गया कि हमें दौड़ कर कहीं नहीं जाना क्योंकि बैठ कर जहा हम हैं हमें अंदर ही हो अपने अंदर ही मिल जाएगा तो यहाँ अनेक युग्म है मल्टीपल डाइपोल्स थे हमने जो पांचवें मंत्र में देखा था तद एजती तत् न एजती वह दौड़ता है तेज और नहीं भी दौड़ता वह बहुत दूर भी है और मैं एकदम अंधा भी है इस तरह के जो डाइपोल्स हमने देखे वो तो वहां पर पांचवे मंत्र में हमें बताए गए अंतर सभी चीजों के अंदर भी वो है और सभी चीजों को उसने सर्वस्व बाह्यता बाहर से भी जैसे ढका हुआ है अब आज हम इस क्रम में अब ये जो उपासना में हमें थोड़ी सफलता जब मिल जाती है तो आज हम तीन मंत्र देखेंगे छठा सातवां आठवां, जिसमें हमें बताया गया है कि उपासना मार्ग में आगे चलने पर हमें क्या इंडिकेटर है कैसे हमें लगता है कि मैं उपासना से कुछ मुझे सफलता मिली है मुझे क्या मिलता है वहाँ चार तो सबसे पहले तो एक दृष्टि मिलती है क्योंकि जो व्यक्ति उपासना से विमुख है उनको जगत तो दिखाई देता है लेकिन जगत में ईश्वर नहीं दिखाई देता वो बोलते हैं ईश्वर है, है कहाँ मुझे तो ये सब चीज देखे ईश्वर नहीं दिखाई दे तो वो बहुत ही डंके की चोट पर ये बात बोलते हैं ईश्वर होता तो हमें दिखता लेकिन उपासना मार्ग से अब ऐसी एक परिस्थिति आ जाती है कि एक उपासक कहता है जैसे कि मुझे तो वही वही दीख है और कुछ दिख ही नहीं है ना तो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है एक व्यक्ति को दुनिया की सब चीजें दिखती हैं ईश्वर नहीं दिखता और एक व्यक्ति ऐसा उसमें रमा हुआ है उसके उपासक बनकर कि उसे सब जगत में वही वही दीख है ना तो ये जो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है एक तब मनुष्य यहाँ भी हो सकता है वहां भी हो सकता है और यहाँ से यहाँ की यात्रा ही उपासना तो उसमें देखिए क्या क्या उसको समझ में आने लगता है उसकी दृष्टि में क्या भेद आने लगते हैं, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण है छठे और सातवें मंत्र को हम साथ लेकर चलेंगे और फिर आठवें मंत्र को अलग से देखेंगे तो छठा मंत्र कह रहा है या तू यस तू यह माने जो तू जैसा ही है वैसे जैसे हिंदी में हम तो बोलते है वह तो आया ही था है ना वह आया था वह तो आया ही था तो तो लगाना या ही लगाना है ना ये क्या है थोड़ा जोर देने के लिए है कि मुझे बड़ा निश्चय है ऐसा है ना तो यह तू जो तो सर्वाणी भूतानी सब भूत यानी सभी वस्तुएं, भूत यानी जो पंचभूत से बनी हुई चीजें हैं ये जगत के नाना पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं और इसमें भूत शब्द ऐसा है कि प्रसंग हो तो इसमें प्राणी जगत भी आ जाता है मनुष्य पशु पक्षी भी सब आ जाते तो दोनों ही सजीव पदार्थ भी अजीव निजीव पदार्थ क्योंकि हम जो सजीव है हमारा ये तन और मन भी मन तो चलिए बड़ा ही सूक्ष्म भूत से बना है जिससे को सूक्ष्म है से बना है ना तो हमारा सही भी हमें दिखता है तो पंचभूत में भूतानी में सारे जगत के पदार्थ मनुष्य पशु पक्षी न्यूजी पेड़ पौधे नदियां सब कुछ निजीव या सजीव जो भी है वो सब आ जाते तो कहा यह तो जो भी तो सब जगत में जो भी पदार्थ है प्राणी जगत और अप्राणी जगत आत्मन एव आत्मा और उसमें आत्मा भी आत्मा यानी मेरा जीवात्मा भी और परमात्मा भी ये जो कॉन्शसनेस है वह भी है ना तो अब ये जो उपासक है अभी तो देखता था अब क्या कहता है वो अनुपश्यति। तो पश्यति है देखना तो पशु की संज्ञा बताते हैं कैसे पशु को पशु कहा जाता है पश्यति थी पशु जो देखता है वह पशु और इस दृष्टि से मनुष्य भी एक पशु कहलाता है वेद की भाषा वेद की भाषा में पंच ग्राम्य पशव गाँव में पांच तरह के पशु होने चाहिए है ना? तो पांच पशु जो गाँव में होने चाहिए वह कौन कौन है तो गाय है घोड़ा है बकरी है भेड़ है और पांचवा मनुष्य है है ना? तो मनुष्य भी पशु ही कहलाता है लेकिन उसकी क्या विशेषता है कि वह इन वेद मंत्रों से शिक्षा लेकर पश्चिमी के आगे चला जाता है अनुपश्यत. तो अनुपश्यति है अंदर की आंख से देखने लग जा जो साक्षात बाह्य की आंख से देख है वो तो पशु है मनुष्य भी है पशु भी है एक जैसे पर मनुष्य पशुओं से आगे कहां पर चला जाता है कि वह जगत को देखते हुए जगत के बनाने वाले ईश्वर को देखने लग जाता है, है ना तो यह अनुपश्यति में वो उसकी अनुपश्यति देखिए कैसी हो जाएगी सातवें मंत्र में देखिए क्या एकत्व तो अनुपस्या उसको अब एक ही चीज दिखाई दे जगत में नाना पदार्थ है सजीव और वस्तुएं हैं और बहुत कुछ है और उसकी जो गहराई से देखने की जो शक्ति उसे उपासना से मिली है उससे अनुपश्यति कह के सारे जगत को देख है लेकिन उसको अब सारे जगत में एक ही चीज देखती है ना वह अभी सातवें मंत्र के अंत में आएगा वह एक, अनुपश्यता। एक सब जगह उसको दिखाई दे आइए हम कैम से ही चलेंगे मैंने आपको अनुपश्यति और अनुपश्यत का एक मेल दिखा दिया ताकि आप समझ जाए छठा और सातवां मंत्र हमें किस दिशा में ले जाया है ना तो ये भी यह जो एक उपासक है यह भी देख है जैसे दूसरे के दूसरे लोग देखते हैं लेकिन वह पश्च्य के अतिरिक्त अनुपश्चति भी कहना सीख गया है ना क्योंकि उपासना मार्ग में अब उसे जब चित्त के वेत्तियां रुक जाती हैं तो चित्त पर विविध चीजें ईश्वर की कृपा से दिखाई देती है अब उसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो गई है तो उस तरह की चीज जगत भी देख रहा है वह ऐसा नहीं है कि अंधा है उसे सब कुछ दिख रहा है जो एक सांसा, एक मनुष्य को भी दिखाई देता है सुनने में आता है लेकिन इसके अंदर एक अनुपस्थिति की शक्ति आ गई है अब हम दूसरा पद इसका देखते हैं छठे मंत्र का यह दूसरा पद जो है छठे मंत्र का उसकी हम संगति लगाएंगे सातवें मंत्र के पहले पद से वह जो मैं डायपोल बताना चाहता हूँ ना युग्म वह डाइपोल यहाँ आएगा है ना तो अब देखिए वो क्या है सर्वभूतेशु च आत्मन आत्मन च आत्मन आत्मान सर्वभूतेशु च आत्मान तथ तथ कहते हैं तदुपयान उसके पश्चात ठीक है ना सब भूतों में सब प्राणियों में सभी जितनी भी चीजें हैं जो सर्वाणी भूतानी थी ना वही सर्वाणी भूतानी का ये बहुवचन है सप्तमी में है ना सप्तमी जब होता है यानी उसके अंदर है ना तो हिंदी में जिसके लिए पद है में या पर ना अधिकरण कायक बोलते हैं हिंदी में उसको संस्कृत में है वो सप्तमी का है ना रूप है और बहुवचन में है तो सर्वाणी भूतानी के बारे में आया सब भूतों में जो भी प्राणी और अपराणी वस्तुएं थी यानी और और आत्मानंद आत्मानम है यहाँ द्वितीय में जो द्वितीय का आत्मानम का जो मकार है वह त से मिलकर नकार हो गया है ना ये छोटी संधि है कि जब आप बोलेंगे ना संस्कृत भाषा बड़ी स्वाभाविक है आप बोलेंगे तो आपके मुख से वैसा ही निकलेगा क्योंकि त है ना ये दंत ध्वनि है दांतों वाली है त था द धन और जो थी आत्मनम का जो मकार था वो ओष्ट वर्ण है पापा, मा। अब मा को त से मिलना है तो अब क्या हो गया अगले वाले जो दंत है उसका जो पंचम वर्ण है ना वो बन गया तो ओष्ठ वर्ण का पंचम अब दंत का पंचम बन ये बहुत स्वाभाविक है आप जब बोलेंगे तो आपके म और को पास लाएंगे तो मुंह से ऐसा ही निकलेगा है ना तो सब प्राणियों में और आत्मा को भी तथा यानी बाद में अब जब उपासक बन गया है तो क्या हो जाता है कि सब प्राणियों में वह आत्मा को ही देख रहा है।, है ना इसके दो अर्थ है सब प्राणियों में और अप्राणी जगत भूत में सब आ गया था ना सब प्राणी जगत जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं है, उसमें अब ये आत्मा नम है ना एक वचन द्वितीय में तो यानी द्वितीय कहते हैं कर्म कायक जिसमें विभक्ति है को हिंदी वाली को अर्थात सब भूतों में आत्मा को है ना ये बहुवचन में है लेकिन ये एक वचन तो सब भूतों में वह आत्मा को देखता है ततः यानी बाद में अब जब अनुपस्थिति की उसको शक्ति आ जाती है अनुपस्थिति में उसको हसा आने लग जाता है अब वह क्या हो जाता है सब प्राणियों में सब अप्राणी जगत में वह उसी चेतन सत्ता को देखता है फिर कहा एक और बात जोड़ दी ना भी चिकित्सति चिकित्सति कहते हैं कि कोई संशय ना है ना है ना ना लगाया है नहीं है ना चिकित्सकी है कि कोई एक डाउट है या संशय है तो यहाँ जोर देखकर कहा कि अब उसकी दृष्टि इतनी अनुपस्थिति इतनी अच्छी हुआ है उसे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है वह देख तो रहा है सारे जगत को सभी वस्तुओं को लेकिन उन सब वस्तुओं में उसे ईश्वर की चेतन सत्ता दिखाई दे रही अब ये सातवें मंत्र का पहला पद हम देखेंगे यह इसमें वो डायपोल वाली भावना में दिखाना चाह रहा अब इस व्यक्ति के अंदर ये है जो उपासक व्यक्ति है जो यहतु से शुरू हुई थी ना कहानी जो तो अनुपस्थिति देखता है जो उपासक देख रहा है अब उसके लिए सप्तमी आया है यस्मिन उसके अंदर है ना देखिए इस भाषा और शैली का चमत्कार अभी आने वाला है। भूतानी आत्म एव अभूत विजानत है इसके पद देख लीजिए पहले यस्मिन ये यह का सप्तमी एक वचन है यानी जिसके अंदर जिसमें सर्वाणी भूतानी तो पहले भी आ चुका है सर्वाणी भूतानी और बाद में दूसरी बार आया सप्तमी में आया बहुवचन अब पुनः आया सहवाणी भूतानी आत्मा एव एव आता है कि ठीक है अर्थ में आत्मा ही है ना अभूत जैसे कि आत्मा ही है अभूत यानी जैसे हम कहते हैं ना कोई हुआ भूतपूर्व में हम क्या कहना चाहते हैं कि पूर्व काल में ऐसा हुआ था है ना तो अभूत है कि ऐसा होता है या ऐसा हो जाता है अब एक पद आया विजानत है। ये जानता यानी जानना और उसके आगे भी उपसर्ग है विशेष ढंग से जान लेना तो जो मैं कई बार बात कहता हूं ना ज्ञान और विज्ञान के बारे में तो ये वेद की भाषा में विज्ञान साइंस वाला नहीं है ये विशेष रूप से ज्ञान देता है ना तो ये अनुपस्थिति का अब अनुपस्थिति की प्याकाष्ठा क्या है कि अब उसे विशेष रूप से ये ज्ञान हो गया है क्या ज्ञान हुआ है कि सब भूतों जो है वो मे जैसे ही है, है ना सर्वाणी भूतानी आत्मा एवं जैसा मैं हूं वैसे ही सब है, है ना और क्या है सब अभी हमने देखा था सब भूतों में वह चेतन सत्ता है मैं भी वैसा ही हूं मेरे अंदर भी वह है है ना तो अब क्या हुआ अब वो युगम वाली बात जो है छठे और सातवें मंत्र को हम साथ देखे हैं छठे मंत्र में था दूसरे पद में सब भूतेशु च आत्मानम है ना जैसे एक उपासक कहता है कि जैसे मैं सब प्राणियों के हृदय में मेरा वास है जैसे उसका सुख दुख मुझे लग जाता है जैसे एक माँ का हृदय इतना बड़ा है कि बच्चे का सुख दुख उसको उसका सुख दुख लगता है 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 ना? उसे कुछ अच्छा लगता है तो माँ को भी अच्छा लगता है उसे कुछ दुख हो है तो माँ को भी दुख होने लगता है क्यों जैसे कि उस बच्चे के हृदय में माँ बैठी हुई है ना तो ये भाषा ऐसी है सप्तमी में थी सब भूत में मैं बैठा हुआ हूँ है ना ऐसा आप कल्पना कीजिए जैसे बच्चे के हृदय में माँ बैठी हुई अब यहाँ क्या कहा गया मैं अंदर सब भूत साया जगत भी बैठा हुआ है तो देखिए डाइपोल कैसा विशेष है ये जैसे बच्चे के हृदय में माँ है अभी इसमें सातवें मंत्र के पहले पद में आ गया माँ के हृदय में जैसे बच्चा है तो ये डायपोल भाषा वाली जो बात में बता रहा था छठे सातवें मंत्र में उसका सुंदर रूप इस ढंग से आया है कि ये जगत अब को कैसा लगने लगा है जैसे साये प्राणी मात्र में उसके हृदय में वह बैठा हुआ है और दूसरे ढंग से देखें तो अब उस उपासक का हृदय इतना विशाल हो गया है कि साये जगत प्राणी इसके हृदय में हुए तो ये जो कनेक्टिविटी है ये कनेक्टिविटी हमें मिली है ईश्वर से है ना तो जैसे दो भले मानु मनुष्य एक दूसरे से कैसे जुड़े एक परिवार में भाई बहन कैसे जुड़े हैं क्योंकि उनके माता पिता एक है पर इस जगत में सारा मनुष्य समुदाय एक परिवार हो सकता है यही हमारी कल्पना है वसुधैव कुटुम्बकम कैसे हो सकता है क्योंकि हम सब एक ईश्वर के पुत्र हैं, है ना? तो जब हम एक के संतान होते हैं तो हम सब जुड़े हुए होते हैं तो अब ये जो उपासक है वो उस ईश्वर से इस ढंग से जुड़ चुका है कि जैसे उसको लगता है कि वह सबके हृदय में बैठा हुआ है और उसके हृदय में साये प्राणी जगत बैठा हुए है ना और यह बात कैसे हुई यह उसने अच्छी तरह से जान लिया है यह बोलने की बात नहीं है यह उसने उसको आत्मसात कह लिया है ऐसा हो गया अभूत अब इसका एक परिणाम बता है। ऐसा जब हो जाए एक उपासक की दृष्टि इतनी विशाल हो जाए अब उसका परिणाम क्या है तो तथ्य अर्थात उस उपासक को को मोह क उसको क्यों होगा मोह और क्यों होगा शोक क्योंकि मोह देखिए होता है कोई वस्तु मुझे अच्छी लगती है और मुझे डर लग गया है कि ये चीज मुझसे छिन ना जाए यदि वो छिन जाती है तो मुझे मोह होता है नहीं नहीं मैं उसे जकड़ कर पकड़े रखना चाहता ये चीज मुझसे कभी दूर ना हो जाए पर अब इसकी दृष्टि इतनी विशाल हो गई है ये जानता है कोई चीज मुझसे दूर हो ही नहीं ना है जगत की सब चीजें मेरे पास है मेरे साथ है मैं इनके अंदर हूँ तो कोई भी चीज मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकती है तो मैं क्यों किसी वस्तु का मोह करूँ है जब मोह नहीं है तो शोक हो ही नहीं सकता शोक तब होता है जिस वस्तु से मोह है और वो मुझसे चली जाए तू है जब दो कोई वस्तु छिन के जो होने ही होने वाली है कोई किसी से मेरा वियोग होना ही नहीं है वियोग होने का जो भय है उसके कारण मोह है और वियोग यदि किसी से होना ही नहीं है तो शोक नहीं होगा ना तो वह शोक नहीं होगा तो न किसी वस्तु व्यक्ति से मुझे मोह होगा न किसी वस्तु या व्यक्ति से बिछोड़ने का मुझे शोक शोक होगा क्योंकि अब मई दृष्टि एक ऐसी हो गई है जिसको हम कह सकते हैं एक अब केवल एक वन्नेस आ गई है एक ही चीज है ना तो यह जो एक चीज है जो इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते है ना तो ईसा वाष्य का वही भाव था उस समय उस किसी ने मुझे बताया था अब उपासना मार्ग पर चलकर मैंने स्वयं ये जान लिया है ना तो वहाँ ये शब्द प्रमाण था अधिक से अधिक मैं अनुमान प्रमाण कह सकता था अपनी बुद्धि से पर यहाँ अब मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया है तो यह उपासना का जो महेश दयानंद स्थान स्थान पर लिखते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो वह जो भाव है वह इस छठे और सातवें मंत्र में आया है कि उपासना मार्ग पर चलने के बाद उस मनुष्य में क्या परिवर्तन आ जाता अब आठवां मंत्र बड़ा ही रोचक है वह है ईश्वर के बारे में तो क्योंकि जैसे मैंने कहा था कुछ सर्वनाम शब्द एज ए डिफॉल्ट ईश्वर के लिए ही होते हैं है ना तो सब ही वह के लिए हिंदी में बोलते हैं ना वह वह कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम चर्चा करें हम बोलते हैं सर्वनाम के माध्यम से वह ऐसा है वह कब आया था कब जाएगा ऐसे ऐसे तो ये वेद की भाषा में विचित्र सी है कि अभी कुछ पैकरण नहीं आया है सीधे उसके लिए एक सर्वनाम शब्द आ गया स तो जब भी सर्वनाम अपने आप अकेले पहले ही आ जाए तो वह प्याया ईश्वर के लिए तो ऐसे ये ईशावाश्यम के बाद आया है तो हम इससे भी उसकी संगति लगा सकते हैं तो यह ईश्वर के लिए है और स में एक रहस्य भी है वही रहस्य इस मंत्र में बताया जाएगा स का रहस्य यह है कि मैं कितना ही बड़ा उपासक हो जाऊं कितना ही मैं उसके निकट पहुंच जाऊं जैसे एक बच्चा कह सकता है अपनी माँ के बारे में कि यह मैं ये माँ है है ना माँ में ये बच्चे के सामने खड़ी है वो अपने दोस्त से बच्चा मिलाया है। बोलता है यह मे माँ है क्योंकि सामने रही है ये तो उसका दोस्त समझ जाता है कि मैं ये दोस्त की यह माँ है यहाँ शब्द क्या है यह है ना मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं यह और वह का अंतर है क्योंकि माँ उसके सामने खड़ी है बगल में ही खड़ी है तो वह कह सकता है यह ही माँ जब माँ अंदर घर में कहीं है तो कह देगा कि वह मेरी ये माँ है जो अभी रसोई में है चलो वहां मैं तुम्हें मिलाता हूं है ना ऐसे तो यह वह ये दो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग में लाते हैं संसार में देखिए परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में वह तदवंत के है मेरे अंदर है एक मनुष्य कभी भी यह नहीं कह सकेगा कि यह ईश्वर है ईश्वर के लिए हमेशा बोला जाता है वह ईश्वर है ये एक बहुत बड़ा रहस्य है इस रहस्य के पीछे की भावना है कि मैं कितना ही ईश्वर को जान जाऊं मैं कभी उसे इतना अधिक नहीं जान सकता कि मैं उसके लिए यह बोल सक है ना मैं उसके लिए हमेशा बोलूंगा कि वह कि मैं जानता तो हूँ पर अभी भी मैं उसके बीच में एक दूजी है जैसे है ना मैं उसकी गोद में जाता हूँ सब कुछ है उसका मुझे सब कुछ मिल रहा है पर मैं उसका पूरा पार कभी नहीं जान सकता है ना वह एकदम अनंत है तो उसके लिए सर्वनाम हमेशा वह आएगा यह कभी नहीं आएगा है ना तो यह रहस्य इस मंत्र का पहले पद अब उस जो वह जो ईश्वर है जिस ईशा वाष्यम की बात चल रही थी अब उसके बहुत सारे गुणों की चर्चा है यानी सब गात ग धातु होता है गमन के लिए पी उसने सब तरफ से सबको पहुंचा हुआ है छाया हुआ है आच्छादित किया हुआ है ढका हुआ है पयगात शुक्रम है वह बीज है और पवित्र भी है शुक्र शब्द के दोनों अर्थ हैं क्योंकि बीज बड़ा शुद्ध पवित्र होता है ना तो शुक्रम है और बीज का भी यहाँ आशा है कि उसी से सारा जगत बनता है वो बनाता तो पकेती से है पर असली बीज उसके पास है कि कैसे बनाना है इत्यादि इत्यादि जो ज्ञान का बीज है फिर कहा अकायम सुक्रम अकायम काया तो हम जानते हैं बोलचाल का शब्द है हिंदी में काया बोलते हैं ना पहला सुख नियोगी काया जब सही हमारा नियोग हो तो हम सुख पा सकते हैं तो अकायम इसमें महेश दयानंद ने बड़ा अच्छा अवैध किया है जिसके न तो कारण सही है न सूक्ष्म सही है न स्थूल सही है तो हम मनुष्यों का एक तो यह स्थूल सही है जो दिखाई देता है और जो हमारा अंतकरण है वह सूक्ष्म सही है और एक सही है जब हम इस जगत से चले जाते हैं मृत्यु के बाद यदि मुक्ति मिल गई तब तो हम ईश्वर से जुड़ गए यदि मुक्ति नहीं मिली है तब हम इस प्रकृति की संसार में ही कहीं घूम रहे होते उसको हम कहते हैं कारण शहीद है ना कारण सही का अर्थ है देखिए दो पदार्थ हैं जो लगभग सर्वत्र फैले हुए हैं इसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं कंटिन्यूम है ना एक तो है ईश्वर और एक है प्रकृति तो ईश्वर को तो हम सर्वव्यापक बोलते हैं प्रकृति को सर्व व्यापक नहीं कहते हैं लेकिन प्रकृति एक देश ही नहीं है एक स्थान पर नहीं है सब जगह है उस भावना को देख के हम प्रकृति के लिए कहते हैं प्रकृति विभू है है ना तो वह भी एक कंटिन्यूम है जो सब जगह है ईश्वर भी सब जगह है तो ये अब दो कंटिन्यूम एक साथ क्यों है इसको हम बोलते हैं को एग्जिस्टिंग है ना जैसे बोलचाल में समझाने के लिए जल पानी है जल लेकिन जल में वायु भी है, है ना तो हमारे पास एक बाल्टी में पानी है तो फिलॉसफी के हिसाब से हम तो इस बाल्टी में पानी भी है और वायु भी क्योंकि तो जल के अंदर वायु जो ज्यादा सूक्ष्म है वह भी पहुंच जाती वैसे ही ईश्वर सूक्षमाती सूक्ष्म है तो प्रकृति है एक सूक्ष्म जो पकेती मूल रूप में ना साम्य अवस्था प्रकृति वह बहुत सूक्ष्म है और ईश्वर उससे भी अधिक सूक्ष्म है तो वह प्रकृति के अंदर भी समाया हुआ है तो ये दो को एग्जिस्टिंग कंटिनुआ है या मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मनुष्य इस जीवन में से देहांत हो जाता है उसका तो उसका जो आत्म तत्व है वह ईश्वर से जुड़ जाए तो मुक्ति में है ईश्वर से नहीं जुड़ा है तो अभी भी वह बद्ध जीव है लेकिन वह प्रकृति से के कंटिन्यूम से जुड़ा हुआ है तो वह जो प्रकृति का कंटिन्यूम है उसको कारण सही बोलते हैं या लिंग सही भी बोलते हैं तो महेश दयानंद ने बड़ा अच्छा अपने भाष्य में अकायम का आयत किया है कि ईश्वर न ही कारण सही है उसके उसका न ही सूक्ष्म सही है और ना ही स्थूल सही है आया शब्द अवरणम अवैणम का दयानंद ने अवध किया है कि जिसमें छेद आदि नहीं हो सकते यह जिसमें घाव नहीं हो सकते जब सही नहीं है तो घाव कैसे हो तो उस तरह की डिस्कंटिन्यूटी नहीं आ सकती अस्नाव्यम जिसमें नस नाड़ियां नहीं है तो वह ऐसा है जो इन विशेषण बताए जाए तो यह शुद्धम शुद्ध यानी पवित्र वो तो हम जानते ही हैं और शुद्ध होने के कारण क्या है वह अ पाप यानी पाप उसको विद्य उससे जुड़ नहीं सकता उसको छू नहीं सकता लगा हुआ है तो निषेध में हो गया तो शुद्ध इतना है कि पाप उसे छू भी नहीं सकता तो यह पहला जो पद था इसका उसमें जो पूर्वाध है उसमें ईश्वर के बारे में और ईश्वर के कई गुणों की चर्चा हो गई अब और भी आगे चर्चा हो रही है। अब इस मंत्र का युग में थोड़ा अलग ढंग का है वही मैं बाद में बताऊंगा अभी हम आगे चलते हैं अब जो इसका उतयाद है उसमें ईश्वर के गुणों की आगे भी चर्चा है वह कवि है कवि के लिए महेश दयानंद हमेशा लिखते हैं कवि ने तो कवि है और ये वेद उसके काव्य माने जाते हैं तो उसने ही हमें शब्द दिए उसने ही हमारी वाणी को झंकित किया कि हम शब्द बोल सकते हैं तो इस दृष्टि से वह कवि है मनीषी है वह हम सबके मन में मन का अंतयामी है वो जानता है कि हमारे मन में क्या हो वही भू है कि वह चीजों को बनाता है और उनमें उनको उनका स्वामित्व भी उसके पास है स्वयंभू है कि उसको कोई नहीं बनाता स्वयं अपने आप ही स्वयं ही वो भू यानी सत्ता या अपनी इस संसार में उसकी सत्ता है स्वयंभू है ना कि किसी के द्वारा वह बनाया नहीं जाता याथा तथ्यता यथा या तथ्यता जो चीज जैसी है तथ्य कहते हैं ना एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो यथा था जो चीज जैसी है उसको उस तरह से कवि शब्द आई गया था उसको उस तरह से व्यक्त करना तो इसका मोटे तौर पर आशय है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान देना किसी को तो इसीलिए उसने हमें वेद का ज्ञान दिया तो यह उसके यथा तथ्यता अथान अर्थ कहते हैं जैसे एक शब्द को पद कहते हैं और वस्तु को कहते हैं पदार्थ पदार्थ यानी उस पद यानी उस शब्द का जो अर्थ है वह वस्तु है ना तो अर्थ में क्या है वस्तु तो यथा तथ्य तो अर्थान जगत की सारी वस्तुओं के बारे में ज्ञान देना उपदेश देना है ना तो जैसे वेद के माध्यम से देना या समात योग में हमें देना या इंस्टिंक्ट के रूप में कभी हमें जैसे ईश्वर को रिफ्लेक्सिव एक्शन के रूप में हमें से बता देता है तो यह जो ज्ञान देने की बात है अर्थान के बाद है वी अदात शाश्वतीभ्य समाभ्य समाभ्य का दयानंद ने अर्थ किया है पैजा ईश्वर की हम सब पैजा हैं उनको शाश्वती शाश्वत सब तो हम जानते ही हैं इटर्नल के अर्थ में आता है कि यहाँ कर्म के अर्थ में आया है कि ऐसे कर्म जो कि जिसमें एक तरह की शाश्वतता का भाव हो अर्थात जो किए ही जाने हैं करनी है भले कर्म तो यथा तथ्य तो अर्थान में ज्ञान के उपदेश की बात थी अब है व्यदात शाश्वती व्य समाभ्य साई पैजा को ज्ञान का उपदेश देना और कर्म का उपदेश देना कि क्या क्या कर्म उन्हें करने चाहिए क्या में डूज हैं क्या डोंट्स हैं उस तरह का उपदेश दें तो ईश्वर के गुण कैम स्वभाव का यहाँ चित्रण है जो सब चीजों को ढके हुए है पाए हुए है शुद्ध पवित्र है अकायम है तो इसलिए अवर्णम भी है अस्नावयम भी है शुद्ध भी है तो अपाप विद्यम भी है फिर कवि है मनीषी है परिभू है वह सब जगह से प्राप्त हुआ है स्वयंभू है अपने आप में उसकी सत्ता है और अपने से भिन्न जो दूसरी मनुष्य की जो उसकी प्रजा है उनको वह यथा तथ्य तो वथान जो यथावत सही ज्ञान का उपदेश देना है और व्यदार शाश्वतीभ्य भले कमों का कि किस तरह के कमों में हमें संलग्न रहना चाहिए ज्ञान और कम का वह हम सबको उपदेश देता है इसमें एक युग्म अब मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें मुझे युग्म खोजने में बहुत समय लगा था ये शायद अंतिम मंत्र था जिसका वह बड़ा रोचक है इसका आप देखेंगे कि जो पूर्वाद है उसमें जो ईश्वर के गुण है वह मात्र ईश्वर के है ना वह उसके ही गुण है और जो उतराध की जो दूसरी पंक्ति है इसमें भी ईश्वर के गुण है और ईश्वर की कृपा से उपासक में वह गुण कुछ अंशों में वह दे देता है देखिए ऊपर वाली पंक्ति का कोई भी गुण किसी भी मनुष्य में कभी नहीं आ सकता है ना हम हमेशा में होंगे हम पूरे वैसे शुद्ध नहीं होंगे कि कोई पाप हमें न जुड़ सके संयुक्त न हो सके तो ये जो गुण है एक अंश में हम भी कवि बन सकते हैं जो ईश्वर सर्वांश में है लेकिन हम अल्पांश में वह हमारे मन की पूरा अंतयामी है एक अंश में हम भी मनीषी बन सकते हैं अपने योग अभ्यास से उपासना से अपने मन के स्वामी बन सकते हैं हम भी ऐसे परिभू हैं स्वयंभू हैं आत्मा भी हम सबका जो आत्म तत्व है वह भी सत है सदा सदा रहता है बना है और किसी ने उसको बनाया नहीं है तो वह भी परिभू और स्वयं भू है अब ईश्वर की उपासना के बल पर जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है और जो मैं अच्छे सतकर्म की दिशा में आगे बढ़ा हूँ तो मैं भी मानव समाज में इस ढंग से अच्छे सत ज्ञान का उपदेश दे सकता हूँ कुछ अंश में और कुछ अंश में दूसरे मनुष्यों को कौन से कम कायम कर, करनी है कौन से कायम नहीं किए जाने चाहिए इनका भी उपदेश दे सकता हूँ तो यह एक विशेष युग में है कि ईश्वर के अनेक गुण कायम स्वभाव की यहाँ चर्चा हुई है इसकी दो श्रेणियां बना दी गई हैं पहली पंक्ति में वह है जो केवल माथे ईश्वर के ही गुण हो सकते हैं दूसरे में एक अंश में एक उपासक ईश्वर के इन गुणों को पा सकता है ईश्वर की कृपा से और धारण कर सकता है और इस संसार में फिर जैसे ईश्वर का एक प्रतिनिधि के रूप में रह सकता है क्योंकि हमें भी इस समाज में उपदेशक चाहिए उपदेशक ऐसे ही होने चाहिए जिन्होंने उपासना मार्ग पर चल कर इतनी उन्नति कर ली है कि वो जगत में ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में विचारते हैं तो ये बहुत अच्छी भावना इस छठे सातवें आठवें मंत्र में हमने देखी है कि उपासना के परिणाम स्वयूप एक मनुष्य की उन्नति कैसे कहाँ तक हो सकती है? तो ये अभी हमने आठ मंत्र देख लिए हैं यजुवे चालीसवें अध्याय के जिस आठ मंत्र में ज्ञान जो शब्द प्रमाण वाला ज्ञान था ईशावास्यम इधम सवम वो देखा हमने कम भी देखा कोई वन्य वे कामाणि और हमें चेतावनी भी दी गई कि यदि हम बुरे कर्मों में चले गए तो हमारी दुर्गति होगी हम आत्मजन के बदले आत्महन बन जाएंगे हमें बताया गया कि अच्छे काम करने वाला व्यक्ति ही उपासना में रुचि लेगा और ऊंचा उपासना में चलने की उसमें क्वालिफिकेशन आ जाती है जैसे है ना और फिर चौथे पांचवे में उपासना मार्ग पर चलने का संकेत आ गया कि शांत होकर बैठ जाओ और बाहर की आंखों से नहीं बल्कि अंदर की आंखों से तुम उसे अंदर देखो लेकिन इसके लिए एक आवश्यक है माता ईश्वर की बात और कर्मशील भी बने हैं ना जो अपह वाली बात थी निष्क्रिय व्यक्ति के लिए उपासना नहीं है जो कर्मशील है और जो उसके प्रति बहुत गहराई से प्रेम का भाव रखता है माता ईश्वा वाली बात कि जैसे मुझे प्राण से प्यार है ना तो महेश गायत्री मंत्र में भू शब्द का अर्थ कहते हैं प्राणों से भी अधिक प्रिय है ना तो वह भाव है यहाँ पर और माता ऐश्वा कई बार हमारे प्राणों के लिए भी आता है अश्विनी भाव के लिए अश्विनव आता है द्विवचन में जो श्वास और प्रश्वास जो है उसके लिए है माता शब्द क्योंकि हर मनुष्य को अपने प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं तो उतना यदि प्रेम भाव ईश्वर के प्रति है वह एक उपासना के लिए जैसे नेसेसरी कंडीशन है फिर उसकी उपासना ये तरीके बताए गए छठे सातवें आठवें मंत्र में कि अब जैसे जैसे उपासना में आपको सफलता मिल रही है आपका संसार के प्रति दृष्टि आपकी बदल रही है, है। अब कोई भी आपको दूसरा नहीं लगता तो किसी के प्रति घृणा का भाव व मनुष्य का भाव ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता आप सबके हितैषी हैं आप सबका हित चिंतक बनना चाहते हैं आप सबके भला ही सोचते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति की एक तरह की अंदर की स्टेबिलिटी है क्योंकि उसे किसी वस्तु के जाने का भय नहीं और किसी व्यक्ति वे, वस्तु के प्रति मोह नहीं है तो उसके जाने पर शोक भी नहीं हो सकता क्योंकि संसार में आना जाना तो चलता रहता है क्योंकि उसके अंदर एकत्वम की एक विशेष अनुपस्थिति आ चुकी है वह वह एकत्वम देख फिर हमने आठवें मंत्र में यह देखा कि सब सपयगा कि अब जैसे इसका ईश्वर ईश्वर उपासना के प्रकरण में महिषि दयानंद ने भी सत्या प्रकाश में लिखा है कि उपासना से क्या होता है ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव हो जाते तो क्वालिटेटिवली आप ईश्वर जैसे हो भले ही क्वांटिटेटिवली आप बहुत छोटे हैं तो वह जो क्वालिटेटिव ग्रोथ है वह बात इसके में आई है आप भी वह कवि है शत प्रतिशत सर्वांश में आप एक छोटे अल्पांश में कवि हो वह मनीषी है आप भी मनीषी हो जाए आप भी ये सब है और आप भी जैसे हुआ ज्ञान और कर्म का उपदेश देता है अच्छे लोग उसको ग्रहण कहते हैं उसके अनुसार पालन कहते हैं और आपने उसमें थोड़ी सफलता प्राप्त कर ली है तो जो इससे विमुख है वहां तक आपको पहुँचाना यह आपका दायित्व है और यह आपका उद्देश्य होना चाहिए तो यह एक यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में एक तरह का ये बेंचमार्क है मैं कहूंगा कि सोलह सत्रह मंत्रों में से यह जैसे आधा अध्याय हो चुका है आठ मंत्रों का अब ये जो वर्णन अगले मंत्र आने वाले हैं, इसमें है कि यह मनुष्य अब एक साधारण मनुष्य नहीं है यह एक उपासक है और यह ईश्वर का प्रतिनिधि है उसका एम्बेसडर बनकर इस संसार में जीता है अब इसको यह उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं क्योंकि तो यह भी पाप से दूर है शुद्ध और पवित्र है तो कई अंश में क्वालिटी वाइज इसमें कहीं कोई कमी नहीं है अब यह एक उच्च कोटि का मनुष्य है लेकिन अब इसे उपदेश दिया जाना है एक दूसरे तरह का समन्वय इसको अच्छे काम तो कहने ही है लेकिन अच्छे कायम में भी किसी तरह का संशय ना हो कि मैं अच्छे कायम जैसे एक माँ है अपने बच्चों के लिए दिन रात घूम कहती रहती है मेहनत कहती रहती है तो यदि वो अपना ध्यान न रखे तो मुश्किल हो जाए वो खुद बीमार पड़ गई तो फिर बच्चों का क्या हो तो उस माँ को भी इतनी समझ है होती भी है कि हाँ मुख्य उद्देश्य है अपने परिवार का देख परिवार में सब स्वस्थ है, है यह उस माँ का उस पत्नी का उसने अपने आप के ऊपर ये दायित्व ले लिया है जब वो माँ बन जाती है तो ये स्वतः ही ये उसके अंदर आ जाती है पर तो इतना ही नहीं वो ये भी जानती है कि मुझे अपना भी ध्यान रखना मुझे भी हाथ में नींद में आयाम करना मुझे भी भोजन समय पर सही मात्रा में लेना है और संतुलित आहार लेना है भले ही अच्छी चीजें मैं बच्चों को दे दूंगा अधिक स्वादिष्ट चीजें लेकिन संतुलित आहार मुझे भी लेना है कि मैं कहीं रोगी रोगिणी न बन जाऊं है ना तो ये एक विशेष तरह का समन्वय है कि मुझे परिवार के लिए मैं काम कहती हूँ लेकिन परिवार के लिए मैं काम कर सकूं इसके लिए मुझे अपना भी ध्यान है तो काम अब दो तरह के हो गए हैं उसके लिए कि एक तो अपने लिए और एक है बच्चों के लिए परिवार के लिए दोनों ही आवश्यक है दोनों ही भले काम है दोनों ही पवित्र और पुण्य काम है लेकिन इसमें भी एक तरह का यदि वो पूरा परिवार में ही लग गई अपना ध्यान रखना बंद कर दिया तो अंत में क्या है परिवार की हानि होगी जो इसके लिए जिसके लिए वो प्रमुखता है तो उस परिवार के भले के लिए उसको अपना भी ध्यान रखना है तो अब यही उपदेश अब देखिए यहाँ पर अभी हमने जो चालीसवे अध्याय का पहला हिस्सा देखा है उसमें ईशावास्यम में ज्ञान और फिर बाद में कायम आया था अब देखिए कर्म पहले आया नौवे दसवें ग्यारहवें का संबंध कर्म से है और बारह तेरह चौदवे का आप देखें हैं मंत्र के अंत में विद्या और विद्या से संबंध है तो इसका ज्ञान से संबंध है है ना तो जो बात हम अपने पाठ्यक्रम में कई बार देख चुके थे अब इस मनुष्य को आगे उन्नति करनी है तो इस समय अब उसको उपदेश दिया जा रहा है पहली सीढ़ी कर्म की है फिर ज्ञान की है ये आप देखेंगे उपासना का फिर से भाव आएगा अब तो आएगा जैसे मैं उसके पास परमानेंटली पहुंच है ना? वाली दिशा में तो अब ये जो व्यक्ति ज्ञान कम उपासना के माध्यम से एक उच्च कोटि का व्यक्ति बन गया है अब इसको उपदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें कर्म अच्छे करने हैं लेकिन दो तरह के कर्म और दोनों में समन्वय कहें एक है समाज के भले के लिए उसको कहा जाएगा सम्भूति और एक अपने लिए है उसके लिए शब्द आएगा और अब इन शब्दों पर और ये जो नया युग में आया है इस पर हम अगले सप्ताह ही चर्चा करेंगे और आज मैं थोड़ा आपको संकेत दे रहा हूँ नवे दसवें ग्यारहवें में एक युग में आने वाला है जो कर्म की दिशा में है कर्म हम समाज के लिए जो कह सकते हैं वो कहलाएंगे सम्भूति और जो हम अपने लिए कहते हैं वो कहलाएंगे असंभूति और और विद्या वो विद्या वो नॉलेज वो ज्ञान कहलाएगा जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो अम्य की प्राप्ति हो और ये कहलाएगी अविद्या ये सब थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि अविद्या को भी हमें क्यों प्राप्त करना है तो अविद्या यहाँ पॉजिटिव सेंस में है इसको भी हम समझेंगे कि जिससे हम मृत्यु को धकेल सकें यदि हमारे ने अविद्या को नहीं प्राप्त किया तो हमारा सर्वाइवल ही वही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा हमें मौत जकड़ लेगी तो अविद्या इसलिए चाहिए कि मौत को हम थोड़ा धकेल सकें और अपनी कुछ आयु को प्राप्त कर सकें लेकिन उस आयु को के मुख्य उद्देश्य है विद्या को प्राप्त करना जिससे कि अमयत्व को हम प्राप्त कर सकें तो अब है देखिए कर्म सब अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे एक तरह का विभाजन होना है अच्छे काम अपने लिए दूसरों की ज्ञान भी सही ज्ञान है लेकिन ये भी दो तरह का आएगा एक ऐसा ज्ञान जिससे मैं संसार में जीवन को लंबा खींच सकूं लेकिन किस लिए खींच सकूं ताकि मैं असली विद्या को प्राप्त करके उस अपवर्ग को प्राप्त कर सकूं और फिर ऐसा व्यक्ति हम शायद एक सप्ताह बाद उसके अगले सप्ताह हम ये छह मंत्र देख लेंगे असंभूति संभूति वाले और अविद्या विद्या वाले जिसका कर्म और ज्ञान से संबंध है वो हमारा पांचवा सत्य होगा छठे सत्य में बाद में हम तब पंद्रहवा सोलहवा सत्य यह अंतिम तीन मंत्र देख लेंगे जैसे यह एक मनुष्य है जो सदा उसकी छाया में रहता है और ज्ञान और कायम में एक विशेष ढंग से संलग्न है और इसका जब जीवन अंत होता है तो इसकी यात्रा किस ढंग से होगी और उसका हम थोड़ा आशय देखेंगे तो इस प्रकार से आज का हम सत्य समाप्त करते हैं